नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। लोकसभा चुनाव का घमासान अपने चरम पर है। बाकी के बचे दो चरणों के मतदान के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 12 मई को 7 राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होना है और छठे चरण की वोटिंग को लेकर सभी दल इस कोशिश में है कि किसी तरह जनता के मूड को अपने पक्ष में किया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में 7 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बीजेपी अपना पूरा दम लगा रही है, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपनी जीत के दावे कर रही है। मध्य प्रदेश की भोपाल सीट सबसे हॉट मानी जा रही है। यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के बीच में मुकाबला है। वहीं यूपी में गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि सूबे में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और देश की अगली सरकार बनने में गठबंधन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कुल मिलाकर छठवें चरण के चुनाव से पहले कई रंग देखने को मिल रहे हैं। अगले चरण का रण क्या कुछ कहता है, आज लोकतंत्र में चर्चा इसी मुद्दे पर। मिशन 2019 अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता जा रहा है। अब सिर्फ 118 सीटों पर मतदान होना बाकी। सियासी पार्टियां अब पूरी ताकत इन सीटों को जीतने पर लगा रही हैं। छठे चरण में 59 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास हैं और इसीलिए बीजेपी अपनी साख बताने में जुटी। दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, दावे तो सब कर रहे हैं लेकिन जीत किसकी होगी ये जनता तय करेगी। लेकिन देखते हैं कि छठे चरण में कौन किस पर भारी नजर आता है। लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में सियासी घमासान जारी है। पांचवें चरण के बाद बचे हुए 118 सीटों के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों पर 12 मई को मतदान है। इस चरण में बिहार के 8, हरियाणा के 10, झारखंड के 4, मध्य प्रदेश के 8, उत्तर प्रदेश के 14, पश्चिम बंगाल के 8 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी सियासी पार्टियां जनता के दरबार में अपने अपने स्तर में पहुंचने में लगी हैं, ताकि जनता जीत का आशीर्वाद दे सके। बीजेपी हरियाणा में सभी सीटों पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो दिल्ली में 2014 का करिश्मा फिर से दोहराने के लिए दिग्गजों को चुनावी प्रचार में उतारा है। मोदी के मंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की नज़र दिल्ली पर है। खुद मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली वासियों से 7 सीटों पर जिताने की अपील की। मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर लताड़ लगाई। देश के हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होती थी वो आज कैसे नियंत्रण में है। विपक्ष के लोग भी चाहकर के भी महंगाई के मुद्दे पर कुछ बोल नहीं पा रहे। मोदी ने भ्रष्टाचारियों को भी आगाह किया कि अब वो जेल में जाएंगे। दिल्ली के सियासी रण में जीत दर्ज करने के लिए शीला दीक्षित ने भी दम दिखाया। शीला के रोड शो में प्रियंका भी मौजूद रहीं। प्रियंका के रोड शो में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी। दिल्ली में बीजेपी का दावा है कि एक बार फिर वो 7 सीटों पर कब्जा करेगी। वहीं कांग्रेस सेंधमारी में जुटी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कह चुके हैं कि 7 सीटों पर उनका उम्मीदवार जीतेगा। वहीं छठे चरण में मायावती अखिलेश दावा कर रही हैं कि यूपी में बीजेपी का सफाया हो गया है। मायावती कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार अब दोबारा नहीं आ रही है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में भोपाल सीट अभी ज्यादा चर्चा में है। कभी भगवा आतंकवाद पर बढ़ चढ़ कर बयान देने वाले दिग्विजय सिंह के रोड शो में भगवा साफ दिखाई दिया। जो दिग्विजय भगवा आतंकवाद की बात कहते थे, अब उनके रोड शो में साधु संत नजर आ रहे हैं। साधुओं के रोड शो में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। रोड शो की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को सिविल वर्दी में तैनात किया गया था, साथ ही उन्होंने भगवा साफा भी पहना था। एक तरफ प्रज्ञा ठाकुर हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं, तो दिग्विजय सिंह ने साध्वी की काट के लिए साधुओं को अपनी तरफ कर चुनावी मैदान में माहौल गर्मा दिया है। आप लोग पुलिस में हैं?
जगह आगे आ गई। ड्यूटी पे आए हैं। हाँ आप लोग ये क्यों पहने हो शिविर में? बस पहनाया गया है। पहनाया किसने पहनाया? बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। ये स्वतंत्रता नहीं है, लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है और प्रचार भी हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। छठे चरण में चुनावी मैदान में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ भोपाल लोकसभा चुनाव में धर्मयुद्ध वर्सेज हट योग के बीच मुकाबला है, तो दूसरी तरफ यूपी में मायावती कह रही हैं कि बीजेपी का सफाया हो रहा है। वहीं मोदी विरोधियों को नए तरीके से घेर रहे हैं। आखिर छठे चरण में जीत का छक्का कौन लगाएगा? क्या मोदी मैजिक फिर चलेगा या होगा बदलाव? ब्यूरो रिपोर्ट। या तो लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है और बाकी के बचे दो चरणों के मतदान के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। किसकी क्या कुछ तैयारी है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि पिछले चुनाव के नतीजों को दोहरा पाना क्या बीजेपी के लिए इतना आसान होने जा रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से दो खास मेहमान हैं। अनुज आत्रे हैं, आप नेता है कांग्रेस पार्टी के, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए संजीव चौधरी जी हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा हैं। लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनीत शुक्ला जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जबकि देहरादून से नीरज कोहली जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत अनुज आत्रे जी मैं आपसे ही करूँगा, क्या तैयारी है छठवें चरण को लेकर और कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए तैयारी बहुत अच्छी है और दूसरा आपका प्रश्न चुनौती तो इस समय जो है ये खुद ही खत्म हो चुकी है। जो चुनौती जो ये सरकार ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इनका ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, जो देश में विकास की जो बात करके आए थे और देश में जिन्होंने विकास बदले में देश की जनता को दिया है और देश का जो विकास की गति को विनाश की गति में तब्दील कर दिया है, तो ये चुनौती चुनाव में किसी के सामने नहीं है। और इस समय देश की जनता खुद कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आगे आ रही है, कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि जानती है देश की जनता, हमारे जो मतदाता है वो जानते हैं कि अगर देश में जो है विकास करना है और देश को अगर हमें प्रगति की राह पर लेकर के जाना है तो जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है वही जो अब तक आजादी के बाद से लेकर आज तक इस देश में जितना भी बुनियादी ढांचा जो मजबूती से खड़ा किया गया है, जो आज विश्व में हमारा इस देश का कीर्तिमान बढ़ा है, जो आज हम लोग अंतरिक्ष पर पहुंचे हैं, तो ये कांग्रेस की देन है। तो ये जुमलेबाजों से देश नहीं चलता है, जुमलेबाजियों से देश नहीं चलता। आज प्रधानमंत्री जी 200 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, लेकिन अपने काम के नाम पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाए एक भी रैली में। हर चुनावी रैली में वो हर बार अपना नैरेटिव चेंज कर देते हैं। 5 चरण के चुनाव में 5 बार उन्होंने नैरेटिव चेंज करने की कोशिश की। पहले चरण में सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने की कोशिश की, जब वो कार्ड फेल हो गया तो दूसरे चरण में पाकिस्तान और जो है लेकर के आ गए, वो कार्ड फेल हो गया तो राष्ट्रवाद लेकर के आ गए, जब वो कार्ड फेल हो गया तो अपनी जातियों को लेकर के आ गए। देश के प्रधानमंत्री की कभी जाति हुआ करती है क्या? आज तक किसी प्रधानमंत्री को अपनी जाति बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और ये तो ऐसे व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री के साथ साथ जो अपनी 3-3 बार जाति बदलते हैं, कभी अपने आप को ओबीसी बताते हैं, फिर अपना जो है सुविधा अनुसार अपने आप को पिछड़ी जाति का बता देते हैं, जब पिछड़ी से भी काम नहीं चलता तो अगले चुनाव में अपने आप को अति पिछड़ा बता देते हैं। अब जब वो भी नहीं चल रहा है तो अब देखिए इस ये आरोप तो आप लोगों पर भी लगते हैं कि आप जरूरत के हिसाब से कहते हैं कि हमारी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है, जरूरत पड़ने पर जनेऊ भी धारण कर लिया जाता है, ये आरोप आप पर भी तो लगते हैं, आप भी तो मुद्दों पर टिकते नहीं हैं। देखिए हम उस आरोप से खुश हैं जो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये हम पर आरोप लगाते हैं कि हम सब पार्टियों हम सब धर्मों का है, हम लोग हैं, हम मुसलमानों के भी हैं, हम हिंदुओं के भी हैं, हम सिखों के भी हैं, हम और अन्य अल्पसंख्यक सबके हैं। जरूरत के हिसाब से इस चीज को हम स्वीकार करते हैं, जरूरत के हिसाब से स्वीकार करते हैं, क्योंकि संविधान हमारा संविधान हमें सिखाता है जरूरत के हिसाब से नहीं, बिल्कुल जरूरत के हिसाब से, लोगों की जरूरत के हिसाब से, लोगों के सम्मान के हिसाब से, हर धर्म के सम्मान के हिसाब से हम उनके। आपने जो जीत का दावा किया है ये दावा तो संजीव चौधरी भी कर रहे हैं, उनका गठबंधन भी कर रहा है कि हमारे बगैर तो देश की अगली सरकार बनने ही नहीं जा रही। संजीव चौधरी जी ये दावा है ना आप लोगों का गठबंधन का? बिल्कुल निश्चित। देखिए उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिए हैं ये आप भी जानते हो और पूरा हिंदुस्तान जानता है। बिना उत्तर प्रदेश से बिना गठबंधन के सरकार नहीं बनेगी, ये तो बिल्कुल निश्चित है। लेकिन जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के, आप तो प्रधानमंत्री जी अपनी गरिमा को भी भूल गए। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं ना कि एक पार्टी के प्रधानमंत्री। उनको यही नहीं पता चल रहा अब कि उन्हें बोलना क्या है। अब तो वो मैं तो अभी एक देख रहा था चैनल पे, बताओ राजीव गांधी जी का ही नाम ले दिया उन्होंने। जिस
जिस व्यक्ति ने, मैं ये नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूं कांग्रेस की, मैं जिस व्यक्ति ने पूरे देश के सामने, वो शहीद हुए हैं पूरे देश को पता है, क्योंकि ये गंगा नहा के आते हैं, ये किसी को गाली दें, ये किसी को भगाएं, ये किसी को मारें, इनको अधिकार है भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको अधिकार दिए हुए हैं। तो यदि कोई बात, यदि ये कोई बात थोड़ी सी भी कोई दूसरी पार्टी के अगर सही बात भी कहें तो ये उसको कहने नहीं देते। इन्होंने पूरा इस देश को सबसे ज्यादा आजादी के बाद, यदि हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे झूठी पार्टी आई है तो भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने विकास के, जहां तक अभी हमारे भाई बता रहे थे, बिल्कुल विकास के नाम पे एक भी रैली इन्होंने विकास के नाम पे नहीं की, एक सिंगल, एक कम से कम एक एक देश के अंदर किसी भी फिर देश में जाके तो ये कम से कम ये कहते कि भाई हमने ये विकास किया है। विकास की नहीं, इन्होंने धर्म की बात की है, हमेशा धर्म की बात की है, और देश धर्म से नहीं चलता, देश रोजगार से चलता है, देश सबसे पहले हिंदुस्तान में नहीं विश्व में भी। यदि किसी को होना चाहिए ना, आप जब कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की या गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है, तो एक विजन तो आप लोगों को भी देना चाहिए ना लोगों के सामने, वो विजन नजर नहीं आता। देखिए, आप भी उसी अली बजरंगबली पर अटक जाते हैं, अंतर वस्त्रों पर अटक जाते हैं। देखिए, हमने विकास, अगर विकास पे ये चर्चा करने लगे हैं समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी, आप लोग विकास के मुद्दों से क्यों भाग जाते हैं? हम नहीं भागते, हमारे सामने सुबह से शाम तक डिबेट पे आ जाएं, हम अपने काम गिनाएंगे और ये एक काम अपना बता दें। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको पता है, इनको इस बात का, ये बोकला चुके हैं इस टाइम, पूरे देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अपनी गरिमा का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रधानमंत्री सर, मर्यादा की बात जहां तक है, वो तो मौजूदा वक्त में जिस तरह से भाषा की मर्यादा को तार तार किया गया है, इसका श्रेय तो कम से कम सभी राजनीतिक दलों को लेना चाहिए। इस पर कम से कम अपनी पीठ थपथपानी नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ कम बयानवीर हैं और सामने वाले के पास बयानवीरों की संख्या ज्यादा है। लेकिन विनीत शुक्ला जी, आपको लग रहा है कि 2014 का करिश्मा दोहरा पाना बीजेपी के लिए इतना आसान होगा, खासतौर पर छठवें चरण के लिए जहां पर दिल्ली में भी मतदान होना है, हरियाणा में भी मतदान होना है, उत्तर प्रदेश की सीटें भी शामिल हैं? देखिए अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी, ये लोग अगर सरकार को माने और प्रधानमंत्री मोदी जी को माने, गालियां देने के अलावा भी और भी काम होते हैं इस देश में, तो अगर ये गाली देना बंद करें प्रधानमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी से उनके कामों के विषय में बात करें, तो मैं इनको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी विकास, सुशासन, सुरक्षा और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति के उत्थान के लिए जो योजना, जो काम मोदी जी ने 2014 से जिस तेजी से शुरू किया था, वो 2019 तक किया है, और 2019 में पुनः सरकार बनने के बाद विकास को और तेजी से गति दी जाएगी। दूसरे जो मित्र हमारे कह रहे हैं कि मैं काम के लिए डिबेट करूंगा, दिन भर में बात कर सकता हूं, तो मैंने इनके कारनामे देखे हैं, पूरी मैंने भी देखे हैं और पूरे देश की जनता ने भी देखा है, और आपने भी देखा होगा इनके कारनामे क्या करते थे ये लोग। सैफाई परिवार सिर्फ सैफाई में नाच गाने कराता था, सिर्फ सैफाई, सरकारी पैसे से। वो भी जो व्यक्ति आज मुलायम सिंह जी को देखिए, पिता को, पिता से साइकिल छीन ली, पिता को अपमान करके निकाल दिया। सुनिए, व्यक्तिगत टिप्पणी पे मत आइए, अगर व्यक्तिगत टिप्पणी पे हम आने लगे, आपने तो उनको उनको गालियां दी है जो इस पार्टी को खड़ा किया जिन लोगों ने। अडवाणी जी कहाँ हैं? संजय जी, आपको शर्मानी मैंने धार से आपको सुना, आप व्यक्तिगत किसी पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? सर, एक एक चीज समझना चाहता हूं, अडवाणी जी, गाली से ही जनता की ताली बजती है। अडवाणी जी, शांति रखिए, धैर्य रखिए, मुरली मनोहर जोशी जी, धैर्य रखिए, संजय जी आप बोलिए ना, संजीव जी पहले हमारा जवाब दीजिए, धैर्य रखिए, जब बोलेंगे हम, धैर्य नहीं, पहले अडवाणी जी को बताइए। संजीव चौधरी जी, अगर मुद्दा पर रहे तो ज्यादा बेहतर है, अगर आप चाहते हैं कि तू तू मैं करके किसी के समय पूरा कर लिया जाए, अभी आपने कहा कि हम चाहते हैं कि मुद्दों पर बात हो, तो आप मुद्दों पर जाने के बजाय आपसी अगर तू तू में आरोप करना चाहते हैं तो बताइए। इन्होंने लगाए व्यक्तिगत, इन्होंने आरोप लगाए, हम तो कम से कम एक पंजीयन करा रहे हैं, आप तो इस देश पर अगर इस तरह से बात करेंगे, संजीव चौधरी, अगर इस तरह से अगर अपना पक्ष रखेंगे ना, तो लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा और आपको इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा पार्टी को। आप अपनी बात रखिए, मैं आपके पास आऊंगा, संजीव चौधरी जी, मैं आऊंगा। मैं विनीत शुक्ला जी, अपनी बात पूरी कीजिए, हो जाइए, धैर्य से सुनिए, सर सुनिए, सुनिए प्लीज, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अपनी बारी आने पर अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे ना, आप लोग भी सुनिए और लोग भी सुनेंगे, अपने आप से तय कर लेंगे कि किसकी बात में वजन है। लेकिन आपने विनीत शुक्ला जी कहा कि हम मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं,
तो आज प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से ये चुनौती दी गई है कि बाकी के बचे दो चरण नोटबंदी जीएसटी के नाम पर बीजेपी क्यों नहीं लड़ती, क्या हिम्मत दिखाएगी बीजेपी नोटबंदी के नाम पर जीएसटी के नाम पर वोट मांगेंगे? बिल्कुल नोट, अच्छा जी नोटबंदी से हम सबसे ज्यादा सफल हुए हैं, कमर टूटी है आतंकवाद की, कमर टूटी है उन पाकिस्तानियों की, कमर टूटी है उन भ्रष्टाचारियों की जो इस देश का पैसा लूट करके स्विस बैंक ले जाना चाहते थे, उन भ्रष्टाचारियों की कमर टूटी है। नोटबंदी से गांव गरीब किसान खुशहाल हुआ है, परेशान वो लोग हैं जिनको नकदी की आदत थी, चार चार प्लाट दूसरों के नाम से लेने की आदत थी। जो ये सैफाई परिवार है जो बात करता है सामाजिक न्याय की और न्याय करता है सिर्फ अपने परिवार के लिए, वो 25-30 लोग लूट का अड्डा बना रखा था इस उत्तर प्रदेश को, आज उसकी कमर तोड़ी है मोदी जी ने नोटबंदी करके, इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। अच्छा जी सिर्फ सर आप कह रहे कि नोटबंदी ने कमर तोड़ दी है आतंकवाद की और तमाम ऐसे लोगों की जो भ्रष्टाचार के जरिए काले धन को इकट्ठा किया करते थे? बिल्कुल, लेकिन 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 तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से यही आरोप लग रहा है कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, नोटबंदी की वजह से लोगों से रोजगार छिन गया और तरह तरह की समस्याएं हुई, व्यापारी जीएसटी की वजह से परेशान हो गए। अच्छा मैं नीरज कोहली जी एक रिएक्शन, जनता खुशहाल है, विनीत शुक्ला जी जनता कितनी खुशहाल है ये 23 मई को पता चल जाएगा, अब इसमें ज्यादा वक्त तो है नहीं है। हाँ, लेकिन सर, बिल्कुल सर, जनता, लेकिन नीरज कोहली साहब इतना तो कम से कम दिलचस्प है कि लोग इस बात को लेकर राहत की सांस जरूर लेंगे कि अब दो चरण का मतदान बचा हुआ है, किसी तरह ये भी निपट जाए तो कम से कम जो आपसी गाली गलौच है वो तो बंद हो जाएगी। ये चुनाव का प्रभाव है सर, ये गालियां देना बंद करें, गालियां देना बंद कर दें प्रधानमंत्री को, देश का प्रधानमंत्री उसका सम्मान करे सर, सर दुनिया सर, दुनिया सम्मान सर, दे रही है। ये मेरा सवाल कोहली साहब से, नीरज कोहली साहब सम्मान करें सर, जनता भी इसी बात की बात जो रही है क्या कि जल्दी चुनाव खत्म हो, रोजाना की गाली गलौज से मुक्ति तो मिले। बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही कि पिछले 72 वर्षों में देश की आजादी के बाद से हम जब से बड़े हुए हैं और इस पत्रकारिता के पेशे में आए हैं, हमने तमाम विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव देखे हैं, लेकिन इस तरह का चुनाव हम पहली बार देख रहे हैं जहां जुबानी जंग जो है बद जुबानी में बदल गई है, शब्दों की मर्यादा जो है तार तार हो गई है, सत्ता पे काबिज होने के लिए किसी भी सीमा को लांघने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां तैयार हैं, कोई भी सीमा हो, और इलेक्शन कमीशन के नियम कानून की किस तरीके से धजिया उड़ी है ये हम सब लोग देख रहे हैं, किस तरीके से जाति धर्म और क्षेत्रवाद को लेकर किस तरीके से उसके परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं ये हमने देखा है। ये पहला चुनाव देखा है जब पॉलिटिकल पार्टियों ने देवी देवताओं को और भगवान को भी नहीं छोड़ा, तो ये बहुत हम कहते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, लोकतंत्र का उत्सव है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी बदजुबानी से जो है इसमें इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व को जो है दागदार कर दिया है। पहले भी चुनाव होते थे, आरोप लगते थे, प्रत्यारोप लगते थे, लेकिन आप व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और वो भी शब्दों की मर्यादा को बिल्कुल तार तार करते जा रहे हो। आप लोग भैया पार्लियामेंट में बैठोगे, हम लोग अपना भविष्य आपके हाथ में सौंपने जा रहे हैं, कल आप संसद में बैठ के नियम कानून बनाओगे और उस नियम कानून को जनता के ऊपर इंप्लीमेंट करोगे, आप क्या संदेश देना चाहते हो देश और दुनिया के लोगों को? आप चुनाव दो पे लड़ो ना, आप जब देखिए कि बीजेपी जब 2014 में जब चुनाव लड़ी थी तो यूपीए 2 की जो नाकामियां थी, जो उस समय स्कैम्स हुए थे बड़े बड़े, जो चाहे भ्रष्टाचार की बात हो चाहे महंगाई की बात हो, तमाम उन मुद्दों को लेके वो मैदान के बीच में आई थी और लोगों ने कहीं ना कहीं विश्वास और ट्रस्ट के साथ जो है बीजेपी पे भरोसा किया, विश्वास दिया और प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। उस समय आपके पास अपना कुछ देने के लिए नहीं था, लेकिन आज 5 साल के पास आपके पास डिलीवर करने के लिए बहुत कुछ है। आपने पिछले 5 साल में क्या किया, आप उन मुद्दों को लेके आओ, आप बेरोजगारी की बात कही थी, आपने बेरोजगारी दूर करने की बात कही थी, आप वो उसको लेके आओ। आपने किसानों के लिए कितना काम किया, आप वो लेके आओ। आपने काले धन की बात वापसी की कही थी, आप काले धन पे आओ। आपने जीएसटी और नोटबंदी के बाद जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई है उसके क्या परिणाम रहे, आप उस पे आओ। आप जम्मू कश्मीर की बात करते थे, आप उस पे आओ। आपने कहा था आतंकवाद पे लगाम लगाएंगे, आप उस पे आओ। आपने क्या डिलीवर किया पिछले 5 साल में, आप उन मुद्दों पर चुनाव लड़ो ना। यही बात मैं विपक्ष को कहता हूँ, सत्ता पक्ष ने विपक्ष को इस तरीके से बातों में उलझा दिया है कि विपक्ष भी आज उन चीजों को, उन नाकामियों को, उन कमियों को सामने नहीं ला पा रहा है और मुद्दे जो नेशनल मुद्दे थे वो कहीं चुनाव में दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही। जनता तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, रोज दिन आती है टीवी पे, इनकी डिबेट देखती है, गाली गलौज सुनती है, अपशब्द पढ़ती है अखबारों में और चली जाती है, क्योंकि जनता के लिए इस चुनाव में कुछ है ही नहीं। अक्षय जी
सवाल तो यही है कि विपक्ष अगर एक तरफ कहता है कि हम मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, तो मुद्दों से भटक क्यों जाते हैं? नौबत यहां तक आ जाती है यात्रा साहब कि बार बार सुप्रीम कोर्ट में माफी की मांग करनी पड़ जाती है। नहीं देखिए, मुद्दों का अभाव तो मुद्दा विहीन तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार हो चुकी है। सर आप लोग भी तो भटक रहे हैं ना। नहीं, हम नहीं, मैंने आपसे सवाल किया मैं अभी शुक्ला कि एक बार दो बार तीसरी बार हलफनामा देकर माफी मांगनी पड़ रही। नहीं देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट की अगर कहीं ना कहीं हमारे से अपेक्षा रहेगी और कोई भी ऐसा कुछ टेक्निकलिटी की अगर बात फंसती है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम छोटे नहीं हो जाते अगर अपनी कोई अपोलॉजी टेंडर करने वाली बात है। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट में भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो चौकीदार चोर वाला जो स्टैंड है कांग्रेस पार्टी उस पर खड़ी है। हम निश्चित तौर पर राहुल जी ने कहा कि जो कुछ आवेश में आके भावनाओं में आकर के सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के बोला गया। आत्रे जी इसको मानते हैं? मैं शुक्ला जी आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए। क्या शुक्ला जी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। अभी भी प्रधानमंत्री को गाली देने का काम कर रहे हैं। देखिए गाली गलौज देने का तो लाइसेंस नहीं। शुक्ला जी, विनीत शुक्ला जी, इस मन पर गाली गलौज की इजाजत नहीं है। हम प्रयास ये करते हैं कि आप लोग अपने तर्कों के माध्यम से आम जनता को जवाब दें ताकि वो आप लोगों के बयानों के आधार पर आकलन कर पाए। उनकी दलाली कही क्या? मैं आऊंगा ना सर, ये तमाम मुद्दे हैं, तमाम ऐसे बयान हैं। विनीत शुक्ला जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आऊंगा, आप अपनी बात तर्कों के साथ रखिएगा। मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने विनीत शुक्ला जी सर, इस तरह लोगों को समझ नहीं आएगा ना। विनीत शुक्ला जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अत्रे साहब, आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में रोड शो के दौरान ये कहा कि अगर हिम्मत है तो नोटबंदी जीएसटी पर वोट मांग के दिखाए। प्रधानमंत्री ने भी एक इस बात को लेकर चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी का अपमान जैसे बता रही है तो उसको अगले दो चरण के लिए मुद्दा क्यों नहीं बना लेती, उसके नाम पर हिम्मत दिखाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री की इससे ज्यादा नाकामयाबी और क्या हो सकती है? हम उनसे बात करते हैं, आप अपनी जो आपकी योजनाएं थी, जो आप जिसको सबसे बड़ी उपलब्धि मान करके देश की जनता के ऊपर आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक, आप उस पर चर्चा नहीं करते। आज आप राजीव गांधी जी को चुनाव में घसीट करके लेके आना चाह रहे हैं, उन राजीव गांधी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जिसने देश के लिए अपनी शहादत दी, जिसने देश के लिए अपनी प्राण निशावर कर दिए, और वो उनका तो कार्यकाल और आपके कार्यकाल में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने तो देश को एक नई आजादी दी थी, कंप्यूटर की जो है क्रांति लेकर के आए थे देश में, जो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया है। आज हम एक सुपर पावर बनने की ओर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर वहां नहीं बनते थे आज वो चीज यहां बनकर के हम पूरे विश्व को सप्लाई कर रहे हैं। आज हम अंतरिक्ष की बात सोचते हैं तो ये 2014 के बाद की नहीं, 2014 से पहले। सर ये मुझे बताइए ना कि जब आप एयर स्ट्राइक को लेकर अगर सवाल उठाते हैं कि ये सेना की उपलब्धि है, फिर आप अंतरिक्ष को लेकर इन तमाम चीजों को लेकर आप कहते हैं कि ये हमारी उपलब्धि है, एक म्यान में दो तलवार? नहीं देखिए, निश्चित ये अलग अलग विचार कैसे हो सकते हैं ना? बात तो एक लागू होगी, समान एक लागू, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। आपको लगता है कि डीआरडीओ की उपलब्धि भी अंतरिक्ष में अगर कोई क्या आज इस तरह की स्ट्राइक होती है, किसी पार्टी ने, राजनीतिक दल ने, किसी सरकार ने इस प्रकार का चुनावी लाभ उठाने की कोशिश की क्या? ये बताइए, सेना के पराक्रम पर आज सर मुझे बताइए ना कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आज भी आजादी की लड़ाई के नाम पर ये कहते हैं कि हमने देश को आजादी दिलाई, उसके आधार पर हमारा अधिकार बनता है। नहीं देखिए, तो इस बात के दावे आप करेंगे, आजादी में उपलब्धि किसकी? इस देश के उस समय के एक एक देश की उपलब्धि अगर एयर स्ट्राइक होती है वो किसी पार्टी की उपलब्धि है या देश की उपलब्धि है? अंतरिक्ष में अगर भारत अगर कोई इतिहास रचता है तो वो देश की हुई, या आपको लग रहा है कि आप खुद ही क्रेडिट दे रहे हैं? नहीं देखिए, सरकार की वजह से ही होता है ना। लेकिन अगर सर, सेना पराक्रम बॉर्डर पर दिखाती आप पीठ सवाल सेना पराक्रम बॉर्डर पर दिखाती है, ये पराक्रम की बात आप पर लागू हो जाती है, वो आपका पराक्रम। देखिए, वो आपका कांग्रेस पार्टी का पराक्रम। मुझे आप आपने राजीव गांधी जी का जिक्र कर दिया, आपने कंप्यूटर की जिक्र कर दिया, लेकिन 84 का जिक्र करना भूल जाएंगे क्या? कितने सिखों को जिंदा जलवाकर मरवाया गया उसको भूल जाएंगे? मैं उस पर भी जवाब, भोपाल गैस त्रासदी को लेकर उसको भूल जाएंगे? सर आपके प्रश्न बहुत हो गए, उत्तर भी सुन लीजिए। मुझे लगता है देखिए, बीच में ये भी टपक पड़े। नहीं शुक्ला जी प्लीज, आत्रे साहब इस पर जो मेरे सवाल, हमारा आपत्ति और देश की जनता को आपत्ति अजीब कहां लगा? जब पुलवामा में हमला हो जाता है और हमारे 42 सीआरपीएफ के जवान वहां शहीद हो जाते हैं बिना किसी कारण के, सरकार की चूक से, इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से 42 जवान शहीद हो जाते हैं, और अगले दिन प्रधानमंत्री राजस्थान में रैली करते हैं और 42 जवानों की फोटो अपनी चुनावी सभा में मंच पर लगा करके कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत और हमें वोट दीजिए, तो ये देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। श्रीलंका में अभी आतंकवादी हमला हुआ, वहां के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से माफी मांगी, डिफेंस मिनिस्टर ने जो है तत्काल इस्तीफा दिया, यहाँ प्रधानमंत्री हमला होने के अगले दिन जो है राजस्थान में रैली करते हैं। सर मुझे बताइए, 2008 में मुंबई में इतना बड़ा आतंकी हमला होता है, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया,
कितने लोगों ने इस्तीफा दिया, नैतिकता दिखाई, बताइए आत्रे साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बताइए ना मुझे, किसी ने इसको कितना पराक्रम उस वक्त दिखाया, आज तक उस वक्त कौन से प्रधानमंत्री ने शहीदों की फोटो लगा करके वोट मांगे, मुझे ये बताइए ना आत्रे साहब, आप सर चित अपनी पढ़ भी अपनी, ऐसा नहीं चलता है ना, चित अपनी नहीं है ये, ऐसा नहीं चलता है ना, भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने वो कारनामे कर दिए कि इस देश की मर्यादा को तार तार कर दिया है सर, मर्यादा मर्यादा तार तार होना क्या कहा जाता है, इतना पर गिरा दिया है जो आज ये बात चल रही है, सुनिए ना सुनिए ना, जब एक देश के प्रधानमंत्री के लिए मर्यादा यहाँ तक भुला दी जाती है कि जो मौजूदा प्रधानमंत्री है कि कोई उसको थप्पड़ मारने की हसरत दिल में रखता है, कोई नीच किस्म का आदमी बताता है, कोई शिवलिंग पर बैठा बिच्छू बताता है, चप्पल मारने की बात करता है कि हाथ नहीं हटा सकते तो चप्पल भी नहीं मार सकते, देखिए सर ये बयानबाजी तो स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के बयानबाजी कब शुरू हुए और किसने शुरू किया, सर आप ये कहकर बल्ला झाड़ नहीं सकते ना कि शुरुआत कहां से हुई, अगर अगर आपकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी होती तो आप भी उतने दोषी हैं, इसको स्वीकार कीजिए, मेरी बात सुनिए, ये 2014 के बाद से क्यों शुरू हुए सर, सर 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 जब से मोदी सर 2014 के पहले रामराज्य नहीं था, 44 पर अगर आए तो उसके पीछे कोई कारण रहा होगा, हम बात करें चुनावी घमासान की जो अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन तरह तरह की बयानबाजी देखने को मिल रही है, या फिर कहें कि भाषा की मर्यादा को भी ताक पर रखा जा रहा है, वहीं बाकी के दो चरणों में पूरी ताकत झोंकी जा रही है ताकि अपने पक्ष में, अपनी पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल को बनाया जा सके, लेकिन इस दौर का रण क्या कुछ कहता है इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मैं संजीव चौधरी जी आपके पास आऊंगा, गठबंधन की तरफ से आज भी इस बात को लेकर दावा किया गया कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश में जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है वहां पूरी तरह से सफाया करने जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या कांग्रेस पर भी जो तेवर हैं बहन जी के, अखिलेश यादव भी अब आक्रामक मोड में आ गए हैं, तो आने वाले वक्त में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलेगी, या फिर ये माना जाए कि कर्नाटक वाला फॉर्मूला जहन में है गठबंधन के, देखिए ऐसा नहीं है सर, गठबंधन से ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बुरी तरीके से बौखलाहट में, और इनकी बौखलाहट इस बात से महसूस होती है और आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा और सब लोगों ने देखा, पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के अंदर राज किया, तब इनको कोई कुछ पता नहीं था, पता नहीं ये पाकिस्तान जाके बिरयानी खा रहे थे या वहां टोपी पहन रहे थे, क्या कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, इनको पता नहीं था कि मायावती जी भ्रष्ट हैं 5 साल के अंदर, पहला चरण चला गया तब भी इनको नहीं पता चला, तब भी ये शायद गहरी नींद में सोए हुए थे, दूसरा देखिए सुनिए बोलने दीजिए आप करके, शुक्ला जी बोलने दीजिए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप बोलने दीजिए आप, शुक्ला जी इसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा, सुन लीजिए फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा, मुझे पहले पूरा जवाब देना पड़ेगा आपका, अभी पहनेंगे अभी आपने नेता जी भाई का नाम, शुक्ला जी इसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा, संजीव जी संक्षेप में अपनी बात बोलूंगा, शुक्ला जी विनीत शुक्ला जी प्लीज मैं आऊंगा ना, मैं आप लोगों से सबसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि अपनी बारी पर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा और लोगों को समझ में आएगा, अपनी बारी पर बोले अब या तो मैं भी बोलूंगा, विनीत शुक्ला जी, विनीत शुक्ला जी प्लीज, और आपको भी डरना होगा, विनीत शुक्ला जी प्लीज, संजीव चौधरी सर मुझे पहले इनकी बात का जवाब देना है, एक मिनट, सैफई का इन्होंने अभी नाम लिया, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की यदि जांच करा ली जाए कहां से इतनी संपत्ति के मालिक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे बन गए, इन्होंने चर्चा की इस बात की, और इनके 80% पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक और एमपी यदि इनकी जांच करा ली जाए 80% जेल चले जाएंगे, और अगर आपकी पार्टी की भी अगर यही जांच हो जाए, मुझे बोलने तो दो, दूसरी बात ये भी कहना कि सबकी जांच करा ली जाए, 1400 करोड़ का 1400 करोड़ का भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस दिल्ली के अंदर कहां से बना, 23 तारीख के बाद इसकी भी जांच होगी, 1400 करोड़ का कहां से सर, मुझे फिर चौधरी साहब इस बात का जवाब दीजिए ना, विनीत शुक्ला जी, विनीत शुक्ला जी सर ये तरीका नहीं है ना, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि मैं आपको पूरा अवसर दूंगा, रही बात प्रॉमिस मैं आपके पास आ रहा हूँ इसके बाद, जवाब नहीं संजीव चौधरी साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपकी बात पर भरोसा क्यों करूँ, मुझे नहीं सुनिए पहले सुन तो लीजिए, मुझे इस बात का भरोसा दीजिए, आपने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, पहली बात क्या इस कंडीशन में गठबंधन अपनी सीटों के बल पर देश की सत्ता पर काबिज हो पाएगा, दूसरी बात अगर आ भी जाते हैं, आपने कहा कि हम जांच करवाएंगे और जेल भेजेंगे, ये वादा तो 2012 में आप लोगों ने किया था, देखिए कि बीएसपी सुप्रीमो को हम सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, अब आप गठबंधन में आपकी भाषा बदल गई, अभी मैं आपका पिछला जवाब तो दे दूं सर, ये सवाल का जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं सवाल कर दिया, पिछले का मिला नहीं है सर, मेरे इस सवाल पर जवाब दीजिए, आपने कहा था कि नहीं कहा था आपकी पार्टी ने कि चीनी मिलों को जिसने बर्बाद करने का काम कर दिया हम उसको जेल भिजवाएंगे,
क्या कार्रवाई हुई बताइए मुझे, क्यों भरोसा करें आपकी बात पर? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, झूठ बोल के फ्रॉडबाजी करके यहाँ तक सर ये आप लोगों का दावा नहीं था, वादा नहीं था, ये वादा नहीं था आप लोगों का, रही बात सत्ता की। मैं सर सुनिए सर, आप ये कहना रही बात सत्ता की, सिर्फ सत्ता की बात है। मैं जिनके एक एमपी है वो भी प्रधानमंत्री बने देश के अंदर सर, खूब बिल्कुल सबको सबको अपनी बात कहने का अधिकार है ना, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन नीरज कोहली साहब, मैं एक रिएक्शन आपका लूंगा, मैं संजीव चौधरी आपकी बात पर ही रिएक्शन लूंगा, फिर मैं विनीत शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। कोहली साहब, इतनी ही नैतिकता है क्या कि चुनाव के पहले जिस तरह की भाषा होती है अपनी विरोधियों के प्रति, जरूरत पड़ने पर दोस्ती गांठ ली जाती है, और उसके बाद जब कहा जाता है तो फिर दाएं बाएं बगले झांकते नजर आते हैं। आप बताइए, ये वादा था नहीं उत्तर प्रदेश में 2012 विधानसभा चुनाव के दौरान कि चीनी मिलों को जिसने बर्बाद किया हम जेल भेजेंगे, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया मूर्तियों के नाम पर, हाथी लगवाने के नाम पर, उनको जेल भेजने का वादा किया गया था कि नहीं? आपने जब हमको कोहली साहब तो हमको बताने तो दो एक मिनट से। कोहली साहब, मैं फिर उसके बाद आ रहा हूं, मैं आपके पास फिर आऊंगा ना, आप जवाब नहीं दे पाए, अधूरा रह गया ना मेरा। सर सुनिए ना, आपकी बात, मैं दोबारा आऊंगा तब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, समय ज्यादा लगेगा। सर सुनिए ना, कोहली साहब मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? राजनीतिक दल है ये मौका प्रस्त है, और मौके के हिसाब से जो है ये चीजों को ढूंढते हैं, और कहते हैं ना कि राजनीति में कोई ना स्थायी दुश्मन होता है ना स्थायी दोस्त होता, तो ये मौका प्रस्त है, जो कल दुश्मन दुश्मन थे आज वो इकट्ठे हो गए, अपने मौके के हिसाब से डाल लिया, तो किसकी जांच और कैसा आयोग और किसको जेल भेजना, ये सब चीजें हम देखते आ रहे हैं। चाहे वो केंद्र की बात हो या राज्य सरकारों की बात रही हो, जो दुश्मन होता है वो दोस्त हो जाता है, और जो दोस्त होता है वो दुश्मन हो जाता है। सबका मकसद सिर्फ एक ही है, सबका विभाग एक ही है, सबकी नीति एक ही है, किसी तरह से सत्ता पर पहुंचना, बस खाली मौका प्रस्ती भी यही है। तो आप ये बताओ कि कौन केंद्र की बात हो या राज्यों की बात हो, इतने बड़े बड़े आरोप जो है सत्ता पक्ष में आपस में लगते रहे हैं, कितने लोगों को इन्होंने जेल भेज दिया, कौन लोग जेल चले गए, जब आप आज इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो किसके खिलाफ जांच होगी, कौन जांच करेगा, और कौन किसको जेल भेजेगा? तो ये तो सब कहने की बात है, ये सब चुनावी वादे हैं, ये हम जीत चुके हैं, ये खाली एक कहे कि चुनाव जीतने के लिए जो एक बड़ा मुद्दा नहीं होता है कि आप आरोप लगाते हो, प्रत्यारोप लगाते हो, जनता के बीच में जाते हो, उसके बाद हमने देखा सब तमाम तरह की जांच एजेंसियां बनती है, आयोग बनते हैं, लेकिन नतीजा बिल्कुल छुपा रहता है, ना कोई कुछ रिकवर होता है और ना बिल्कुल जेल गया है। तो ये सब चुनावी वादे हैं, चुनावी मुद्दे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है, ये किसी भी कोई पहले एक बात नहीं है, चाहे भाजपा की बात हो, कांग्रेस की बात हो, सपा हो, बसपा हो, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का एक ही है। सर यही तो सवाल है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, लेकिन खुद को पाक साहब बताने में कोई गुरेज नहीं करते, और पुरानी बातों को भूलने में ज्यादा वक्त नहीं रखता, लेकिन वो बातें याद रहती हैं जो उनके काम आ सकती हैं, जो वोट बैंक का फायदा करवा सकती हैं। विनीत शुक्ला जी, आप लोगों ने भी तो वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी तो उन भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया जाएगा जिन्होंने आम जनता के पैसों की डकैती की, कितने लोगों को जेल भेजा आप लोगों ने भी? जी अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लोगों पर देखिए कार्रवाई भी की है, और अभी जो लोग जेल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं उनको 2019 का लोकसभा चुनाव निपट जाने दीजिए, इसके बाद ये सब जेल जाने वाले हैं, सारे भ्रष्टाचारी जो लूट की है इस उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का पैसा, जो सैफाई में नाच गाने में लुटाया है इन लोगों ने, वो पैसा इनसे निकाला जाएगा। आज देखिए, जिन्होंने सरकारी आवास को 45 से 50 करोड़ रुपया सरकारी आवास में अपने पैसे उसमें लगा करके, तमाम सरकारी पैसे से खर्चा करके उसको कब्जा कर लिया, उसके तार उखाड़ दिए, उसका स्विमिंग पूल खोद डाला, और तमाम उसकी टोटियां उखाड़ ले गए, क्या ये इनकी हताशा नहीं है? क्या इनके ये निराशा नहीं है? इतना तिलमिलाए हुए हैं योगी सरकार। सर मुझे बताइए ना कि कितने लोगों को विनीत शुक्ला जी अब तक जेल भेजा गया, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? बताएंगे नहीं, फिर हमें बोलना पड़ेगा। फेंक दिया, कार्रवाई कितने लोगों पर हुई? जनता तो यही जानना चाहेगी ना कि आपने वादा किया था केंद्र में, आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं, यूपी में भी 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अब तक कितने लोगों को भेजा? अच्छा जी, कार्रवाई हो रही, कोर्ट ने जब कहा तो सब जमानत करा के घूम रहे हैं, अब जमानत पे हैं, जेल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं, और 19 में सरकार बनने दीजिए, इन सबको जेल भेजा जाएगा, ये सारे जेल जाएंगे, सारे भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। अनुज अत्रे साहब, आप सवाल तो यही ना, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, और जो अभी कोहली साहब ने ये जो प्रश्न उठाया बिल्कुल वाजिब है कि जब आप एक गठबंधन में आ जाते हैं, आपकी दोस्ती हो जाती है, जबकि उससे पहले एक दूसरियों को भला बुरा कहने के बाद ही आप अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते रहे हैं, जब एक गठबंधन में हो जाएगा तो कौन किसके खिलाफ जांच करेगा, कौन किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, यानी सीधा आम जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश।
देखिए ये निश्चित तौर पे आम जनता को बेवकूफ बनाया गया है और बनाने की कोशिश इस चुनाव में फिर से हो रही है। अभी शुक्ला जी कह रहे थे, ये बात वही कह रहे थे जो देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं कि 2019 में हमारी सरकार आएगी हम सारे भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, हम 2019 में हमारी सरकार आएगी तमाम वो बातें दोहराई जा रही है 2014 में दोहराई गई थी। तो इसका मतलब आप 2014 से 2019 के बीच में आपकी सरकार रही, आप क्या घास खोद रहे थे? आप बताएं कहां गए वो भ्रष्टाचारी, कितने भ्रष्टाचारियों को आपने जेल भेज दिया? आज आप 5 सालों में देश की जनता को कह रहे हैं कि हमने उनको जो है जेल के दरवाजे पर मुझे बताइए ना, तो अंदर क्यों नहीं भेजा? आत्रे साहब मुझे इस बात का जवाब दीजिए सर, प्लीज विनीत शुक्ला जी, नहीं आत्रे साहब इस बात का भी तो जवाब दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश में इसी चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ कि आपके पार्टी अध्यक्ष की तरफ से सीधा आरोप ये लगाया गया कि देश के सबसे बड़े सूबे को सपा बसपा और बीजेपी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अगर आपकी पार्टी मान लीजिए केंद्र में आती भी है, जीतती है, तो कैसे कार्रवाई करेगी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया, हालांकि पहले इन आरोपों से बचते रहे, लेकिन जब दोस्ती की डोर मजबूत नहीं हो पाई तब शारदा घोटाले का जिन्हें एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया, कैसे कार्रवाई कीजिएगा? और अगर इनका सहयोग लेना पड़ा तो फिर कैसे उम्मीद करेंगे आपसे? देखिए निश्चित तौर पे सहयोग मिले या ना मिले, लेकिन भ्रष्टाचार से कोई कंप्रोमाइज नहीं करा जाएगा। इनकी तरह भाषण नहीं दिए जाएंगे और भाषण ही हमारा शासन उस पर काम नहीं किया। सर मुझे बताइए आपकी पार्टी के नेता जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आने जा रही, नाम बताओ कपिल सिब्बल साहब का, तो आप ये बताइए कि सहयोग तो लेना पड़ेगा। निवेदन सुन लीजिए, आप मुझसे प्रश्न पूछते हैं उत्तर देंगे, आप हाथ के आप मेरे से प्रश्न पे प्रश्न करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे एक प्रश्न आपने जो पूछा उसका जवाब दे दीजिए। देखिए हम निश्चित तौर पे अभी आते हैं जिसमें ये पूछना चाहता हूँ, आज ये भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के पास एक भ्रष्टाचारियों की और काले धन वालों की बहुत लंबी सूची लिए घूमते थे कि 80 लाख करोड़ रुपए विदेशों में काला धन है, मैं 100 दिनों में देश में लेके आ जाऊंगा, जो पैसा आते ही एक एक भारतवासियों के जो है खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, इतना पैसा आ जाएगा। वो कहां गए लिस्ट, वो कहां है काला धन? कोई जवाब नहीं है। अभी भी अब आप कह रहे हैं कि हम 2019 में आएंगे तो लेके आएंगे, इसका मतलब कि आप मिल गए? अभी स्विस बैंक की आप बात कर रहे थे, नोटबंदी के जो आपका जो इतना बड़ा आपने जो आघात देश की जनता, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद ही अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 2019 2016 में नोटबंदी हुई और 2017 में स्विस बैंक की रिपोर्ट आती है 50% से ज्यादा भारतीयों का पैसा नोटबंदी के बाद स्विस बैंक में बढ़ा है, वो किसकी मिली भगत से बढ़ा है, वो कहां से आ गया? ये तो आप बताएं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हैं वापस लेके आ रहा है, नहीं मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल के जवाब देने की जगह आप 1 लाख करोड़ से ज्यादा जो है देश का सफेद धन लेके भाग रहे हैं। सुनिए ना, आप चुनाव अपने अंतिम चरण में है ना, अब 2 चरण बाकी हैं, आम जनता फैसला कर ही देगी, आकलन करके ही देगी। आप लोग कहते हैं, मैं सर आप लोगों से सबसे बार बार इसीलिए निवेदन करता हूं कि इस तरह लोगों को समझ नहीं आता। मेरा अत्रे साहब सवाल यही था कि अगर आप सहयोग के साथ किसी भी दल के साथ अगर बनाने में सरकार कामयाब हो जाते हैं तो कैसे कार्रवाई कीजिएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ उन लोगों पर? मैं समझ गया, मैं आपका बहुत शॉर्ट में उत्तर दे देता हूँ और उस जो है तर्क के हिसाब से। देखिए इसी प्रकार के आरोप जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार यूपीए 2 में इन लोगों के द्वारा लगाए गए थे जब वो 2G स्कैम आया, 2G स्कैम 3G स्कैम आया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार वो सरकार थी जिसने हिम्मत दिखाई और अपने सहयोगी दल के मंत्री को जेल भेजा, केस रजिस्टर करवाया, जेल भेजा, वो अलग बात है, ये मजबूरी थी, दबाव इतना ज्यादा। देखिए अब आप कार्रवाई करते हैं, हम जेल भेजते हैं तो आप उसको मजबूरी बताते हैं? हम पूछते हैं इनसे, बताएं इनके पास कौन सी मजबूरी है? इन्होंने आप इनसे तो प्रश्न नहीं पूछते, इन्होंने तो एक भी व्यक्ति को नहीं जेल भेजा, किया कि नहीं बहन जी को, आप बताइए मुझे जवाब। देखिए हमारी सरकार तो मंत्री अपने मंत्री सहयोगी दल के मंत्री को जेल भेजती है, ये तो किसी उद्योगपति को किसी काले धन वाले को जेल भेजने की हिम्मत नहीं कर पाए, किसी पॉलिटिशियन को जेल भेजने की हिम्मत नहीं कर पाए, इनसे तो प्रश्न नहीं पूछा गया? जो जेल भेज रहे हैं उनको भी आप कहते हैं दबाव में जेल चले गए, तो ये तो देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना इंसाफी। मुझे बताइए ना उसी प्रकार से अगर मुझे बताइए रहा है कि अगर कोई मिले और बावजूद उसके देखिए वो 2G वाला मुकदमा भी झूठा निकला, वो शिकायत झूठी निकली नरेंद्र मोदी जी की सरकार के शासन, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फटकार लगाई थी, आप इसको गुमराह मत कीजिए लोगों को, अक्षय जी ये गुमराह मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस बात को लेकर फटकार लगाई थी, कितने समय जांच करने के बाद आप कोई सबूत नहीं रख पाए, फटकार लगाई थी, एक बार फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हमने जेल भेजा और सबूत इन्होंने नहीं रखे, जो कहते थे सबूत नहीं घूमते, ये गोल गोल ना आम जनता इसी में उलझ कर रह जाती है। चौधरी साहब कैसे इंसाफ कीजिएगा, कैसे इंसाफ कीजिएगा? अगर सबूत थे तो मोदी सरकार ने क्यों नहीं किए? इनके राज में बड़ी सुन लीजिए, बहन जी खुलकर मंच से कह रही हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है, दोनों भ्रष्टाचारी पार्टी हैं, और अगर गठबंधन सहयोग करता है कांग्रेस पार्टी को, अगर जरूरत पड़ने पर ऐसी संभावना बनती है
तो कैसे फिर आवाज बुलंद कीजिएगा? देखिए ये आगे समय बताएगा कि क्या होने वाला जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से कुछ नहीं है। गठबंधन जो कह रहा है वो कर रहा है, जो गठबंधन हमारा बना है, हमारी तीन पार्टियों का गठबंधन बना है, ये 37-38 पार्टियों का भारतीय जनता पार्टी लिए बैठी है। दूसरी बात, इनके ओम प्रकाश राजवर्जी पिछले दो सालों से जब से कैबिनेट मंत्री बने, किसी की कमजोरी आपकी ताकत कैसे बन सकती है? आप अब मुझे बोलने तो दोगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा तो कैसे बताऊंगा मैं पब्लिक? सर मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि आप मुद्दे पर आइए। अब मैं मुद्दे पर ही हूँ ना, मुझे बताना तो पड़ेगा ना। ओम प्रकाश राजभरजी पिछले दो सालों से गाली दे रहे भारतीय जनता पार्टी को, इनकी ऐसी क्या मजबूरी है जब इनका पूरा पूर्ण बहुमत से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्यों नहीं उनको निकाल बाहर करते, उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं कर रहे? क्या क्या मजबूरी है, क्या ऐसी परेशानी है, किस बात से डरे हुए हैं ये? एक बात। दूसरी बात, एक सैनिक इनके खिलाफ लड़ रहा है, वो निर्दलीय पर्चा भरता है तो बहुत अच्छा है। जैसे ही समाजवादी पार्टी, ये इनका दर्शाता है गठबंधन से कितना डर चुके हैं। वीडियो भी वायरल हुआ, देखिए। अब मुझे कहने दो, फिर मैं वीडियो की बता दूं। गठबंधन का जैसे ही सिंबल लगता है वैसे ही ये वो उनका पर्चा निष्ट कराते हैं। ये देखिए, ये एक प्रधानमंत्री लेवल के आदमी सर, एक सुनिए ना, मुझे मुझे एक बात बताइए, इतनी नैतिकता की बात कर रहे हैं, सुनिए ना चौधरी साहब, मुझे इतनी नैतिकता बताइए। अगर उस तेज बहादुर का नाम आप ले रहे हैं, सर सुनिए ना, रामचरितमानस की कथा थोड़ा हो रही कि आप पूरी पोथा पत्र पढ़ेंगे? नहीं, अब बताना, सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको टोकूंगा, बताना तो मुझे। ये बताइए, तेज बहादुर पर पहले क्यों भरोसा नहीं किया आपको? ये बात में कैसे याद आई? देखिए, बात में कैसे याद आई? बात का सवाल थोड़ी है सर, सुनिए, ये आपका सर, अचानक एक दिन पहले अगर प्रत्याशी बदल दिया जाता है तो कुछ बुरा गणित लगाएगा क्या? इस बात को ना आप रोक सकते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी सर, जरा पता कीजिए, फजीयत हो रही हमारी पार्टी, कितनी फजीयत हो रही हमारे राष्ट्रीय, कितनी फजीयत हो रही, इस बात का पता तो कीजिए। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? मुझे ये बताइए ना, डिसाइड करेंगे सर, मुझे बताइए, शालिनी यादव नामांकन कर रही थी सर, मुझे बताइए ना, आपका ये सवाल कैसा रहा सर? सुनिए तो, हमें तो सर, मुझे बताइए ना, पहले देंगे सर, सुनिए ना, ये आपके कहने से थोड़ी देंगे सर, ये बिल्कुल आपका अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, लेकिन सवाल तब उठेंगे, सवाल तब उठेंगे, तब आप आकलन नहीं कर पाए थे, ये आपको अधिकार, आप ये सर अधिकार, अधिकार तो छोड़ दीजिए, भारतीय जनता अधिकार, सर सुनिए ना, सुनिए ना, हमारा सवाल सर, लेकिन सवाल भी नहीं पूछा जाएगा इनसे, पूछिए सर, संजीव चौधरी आप इससे बच नहीं सकते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं, पूछिए इन्होंने पर्चा निरस्त क्यों कराया? सर सुनिए, सर सुनिए, चुनाव आयोग ने निरस्त कराया, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पूरा देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जब क्यों नहीं निरस्त कराया? अदालत में तो मामला गया ही है। अरे सर सुनिए ना, मुझे बताइए कि एक दिन पहले आपके गठबंधन का प्रत्याशी नामांकन दाखिल कराता है और दूसरे दिन फिर आप प्रत्याशी बदल देते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना, हमारी पार्टी का निर्णय है, हमारी पार्टी का निर्णय, निर्णय पर सवाल नहीं, आप खूब कीजिए, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि जब चाहिए कंधे पर बिठाइए और जब चाहे उतार कर फेंक दीजिए। सबसे बड़ी इनकी नाकामी, सबसे बड़ी, मैं अभी जब बता रहा था, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सबसे बड़ी नाकामी कि 5 साल में याद नहीं आई, एक चरण निकल गया जब इन्हें याद नहीं आई कि मायावती जी भ्रष्ट हैं, दो निकल गए, तीन निकल गए, जब इनको प्रधानमंत्री जी को और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये रिपोर्ट आई कि गठबंधन बहुत बढ़त ले चुका है, तब इन्होंने सीबीआई पीछे लगा दी। अरे क्यों दुरुपयोग? नीरज कोहली साहब, इस पर एक रिएक्शन मैं आपका जरूर लूंगा अगर मेरी आवाज आज तक पहुंच रही है, मैं आपकी बात को क्लियर कर रहा हूं, वो इनको भी देखना पड़ेगा, सुनिए ना सर, जो रास्ता ये दिखा रहे वो सबको देखना पड़ेगा ना, पत्रकार महोदय नीरज जी ने जो शुरू में बात कही थी, मैं 100% उनकी बातों से सच है, वो उन्होंने उनकी उस बात पर आपने गौर नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि आज कोई भी दल हो, आज उन्होंने कहा कि कोई भी दल हो सब उसी रास्ते पर है, उसमें आप कैसे पाक साफ हो सकते हैं? नीरज कोहली साहब ये जो संजीव चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि ये अधिकार है, ये निश्चित तौर पर अधिकार है कि आप किसको प्रत्याशी बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, इससे किसी का लेना देना नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐन वक्त पर अगर प्रत्याशी बदलने की नौबत आ जा सकती है तो इसके पीछे कोई गोला गणित था क्या? बिल्कुल अखिल जी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी है नफा नुकसान का आकलन करने के बाद ही सब चीजें तय करती है, ये बात ठीक है कि उम्मीदवारी तय करना इनका अधिकार है, लेकिन एन मोमेंट पर सडनली अगर कोई चीजों का अगर आधार निर्णय लिया जाता है तो वो भी एक रणनीति का पार्ट है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है उनको उतारना चाहते थे, हालांकि अब उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ये रणनीति का पार्ट है और आप शुरू से देख रहे हैं, ये तो है। एक चीज और कहना चाहूंगा अखिल जी, बिल्कुल चुनाव से जुड़ी बात कहना चाहूंगा कि आज जो है सियासी महाभारत में, महाभारत काल के समय की बात हो रही है, भगवान कृष्ण का नाम दिया जा रहा है, अर्जुन जी का नाम दिया जा रहा है, दुर्योधन का नाम दिया जा रहा है,
लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जब उस समय महाभारत होती थी और महाभारत से युद्ध होता था तो वो भी नियम और कानून और कायदों पे लड़ा जाता था और दोनों जो पांडव और कौरव दोनों की जो सेनाएं हैं वो नियम और कानूनों का पालन करती थी। देखिए उस समय भी कौरवों ने नियम कानून का पालन नहीं किया था और इस समय भी आप लोग नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपकी आप लोगों से आशय आपको सीखने की जरूरत है जो कौरवों की भांति जो है बर्ताव कर रहे हैं। सर सवाल तो यही ना कि सवाल उठाने वालों पर इस तरह की तोहमतें रख दी जाती हैं क्या फला पार्टी के मिले हुए मौजूदा वक्त में रामायण महाभारत की काल का जिक्र होता है ये बताने के लिए कि हिंदू हिंसक है इस बात का जिक्र होता है। अगर वहां नियम कायदों की बात होती है तो उस पर त्योरियां चढ़ जाती हैं। सवाल तो यही है ना कि राजनीतिक दल चाहते क्या है कि चित अपनी पट अपनी, जरूरत पड़ी तो मुसलमानों की पार्टी, जरूरत पड़ गई तो हमसे ज्यादा धार्मिक कोई नहीं। देश की जनता को आप लोग जनार्दन कहते हैं और जनता वास्तव में जनार्दन है। अब दो चरण का मतदान है उसके बाद खुद ये पता चल पाएगा कि जनता किसे मानती है। ये इन्हीं चरणों में भारत हो चुके हैं। बिल्कुल अभी 23 मई तक आप सबके पास खूब दावा करने का वक्त है, खूब दावा कर सकते हैं और ये दावे तो वो पार्टियां भी कर रही हैं जो दो चार सीटों पर भी चुनाव लड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर अब इंतजार 23 मई का ही करना चाहिए क्योंकि नतीजों का दिन है। दावे सबके अपने अपने हैं और दावों में कोई कमी नहीं है। विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात तमाम राजनीतिक पार्टियां करती हैं लेकिन अफसोस यही होता है कि चुनाव के पहले विकास के मुद्दे किनारे हो जाते हैं और तमाम ऐसे मुद्दों को तरजीह दी जाती है जिनका आम जनमानस से शायद उतना वास्ता नहीं होता जितना विकास के मुद्दों से होता है। इसी के साथ लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।